चले रहे हैं? हाँ जी। वृंदावन कभी ये चार भाई थे, ये चार भाई बैठ चुके ये चार भाई थे कभी ये दिन भर कीर्तन करते थे पूरा परिवारों को लेकर के। एक दिन महाप्रभु इनको घर में आए, बोले तुम्हारी इतना बड़ा परिवार कोई काम धाम नहीं करते, दिन भर बैठ कर कीर्तन करते तो तुम्हारे घर भी हंसने चलेगी। तब उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने हाथ में तीन बार ताली बजा दिया। बोले इसका मतलब क्या है? बोले प्रभु आप भी तो गीता में प्रतिज्ञा की ना, अन्य चिंतन तमाम जय जना पर जो पास तेसा नित्याभिजुक्ता नाम जोगा क्षय वाहन आम आता ही नहीं श्लोक। इसलिए कहते आप भी तो भगवत गीता में अपने प्रतिज्ञा की है, जो मेरे अनन्य होकर के मेरी भक्ति करता है उसको घर में जो चीज नहीं मैं सर पर रख करके पहुंचाता हूं, जो चीज है मैं स्वयं उसका हवाल करता हूं। तो आप ये प्रतिज्ञा किया फिर मैं क्यों दूसरे काम पर, इसलिए आप तो आदेश पालन करता हूं। बोले ये ताली क्यों तीन बार बजाए? बोले एक दिन आपका कीर्तन करते हुए देख लूंगा घर में कुछ खाना पीना आता है कि नहीं। बोले दूसरी ताली, बोले दूसरे दिन फिर तीसरी ताली, मैं तीसरे दिन भी देख लूंगा अगर कुछ नहीं आया ना। सब जगह भगवान से झूठ मूठ का गीता में बोल गया, इसलिए गले में कलसी बांध करके पत्थर बांध कर गंगे में डूब गया। वो महाप्रभु इतने खुश हो गए, इतने खुश हुए, बोले मैं तुमको वरदान देता हूँ, भले ही लक्ष्मी एक दिन उसको कहीं दरवाजा दरवाजा पर उसको भीख मांगने पड़ जाए, किसको? लक्ष्मी को, लेकिन तेरे घर में कभी किसी चीज का अभाव नहीं। मतलब इतने महाप्रभु ने उनको विश्वास प्रदान किया है। कहते ये चार है भजन करते थे, लेकिन एक था गोपाल चाफा, ये बड़ा निंदुक था, है ये बड़ा निंदा करता था। क्या क्या हो सकता है? इसलिए ये बड़ा निंदा करता था साधु संतों को, ये बड़ा निंदा करता था, है ये भजन करते थे भक्ति करते थे। कुछ जगत में ऐसे लोग होते हैं बिना कारण के टांग लड़ा करके लड़ाई करते, कुछ लोग का स्वभाव ऐसे होता है, और कुछ होते हैं संत विद्वेष होते हैं, हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं जिनकी जगत में नाम इज्जत होता है वो चीज़ को देख कर सहन नहीं कर पाते हैं, उनका इतने नाम क्यों होता है, इसलिए इनका नाम होते हैं, इसलिए अभी इनकी निंदा करता था। एक दिन क्या हुआ, उसने श्रीवास घर को सामने उन्होंने मदिरा और एक जवाब फूल होता है, जवाब फूल मदिरा मां उन्होंने ला करके उनके घर को सामने रख दिया। रख करके जब सवेरे हुआ ना, उसने अड़ोसी पड़ोसी लोगों को बुलाया, बोले इधर आओ देखो आप लोगों को लगता है ये दिन भर भजन करते हैं रात भर भजन करते हैं, भजन भजन कुछ नहीं करते हैं, देखो ये मांस है शराब है जवाब को ये मां देवी की पूजा करते हैं, और स्वर्ग से अप्सरियों को बुलाते हैं, हैं सुंदर सुंदर लड़कियों को स्वर्ग से बुलाते हैं, रात में भोग करते हैं, ये कोई भजन भजन कुछ नहीं करते, सब ढोंगी सब के सब ये। उन्होंने संतों की निंदा की, निंदा की तो भगवान कहते ही मैं हर चीज को सहन कर सकता हूँ। अगर मेरे संतों को कोई निंदा करता है ना, मेरे भक्तों को, कभी ये चीज कभी मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं अगर मैं अपना हाथ कभी, अगर संतों के विरोध में जाता है मैं अपना हाथ को भी माफ नहीं करूंगा, अपना हाथ को भी मैं काट डालूंगा, हैं हाथ को भी मैं काट डालूंगा। इसलिए संत निंदा कभी मैं सहन नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले संत लोग कहते हैं क्या, क्यों इनकी निंदा को सहन नहीं कर सकते हैं? बोले कारण है, कभी जगत में मेरी वाणी को प्रचार करने वाले कौन है जगत में, मेरे को जगत में कौन जनाता है जगत में? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मैं सबसे ज्यादा किसको प्यार करता हूँ? जगत में मेरी कथा को जो प्रचार करते हैं, जगत में मेरी कथा जो प्रचार करते हैं ना, सबसे ज्यादा उसको मैं प्यार करता हूँ। ये चल नहीं रहा है? नहीं चल रहा है, चार्जिंग चार्जिंग लगाना है। चार्जिंग नहीं इसमें है, तो ये तो पावर दिया है चार्जिंग खत्म ना हो शायद। अब चार्जिंग इसमें है कि नहीं, जा रही है नहीं, पावर बैंक भी नहीं है इसीलिए लगा रही है। ये तो बात बताओ, हमारे ऊपर से हम जो चार्जिंग उसको ले रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं कभी अब
अपना भक्तों का निंदा कभी सहन नहीं कर सकता। कारण है मेरे भक्त लोग मेरी प्रचार करते हैं कि जगत में मैं सबसे ज्यादा किसको प्यार करता हूँ, जगत में बोले जगत में सबसे ज्यादा उससे प्यार करता हूँ मेरे भक्तियों को जो जगत में प्रचार करता है, मेरी कथाओं को जो प्रचार करते हैं। कहते कृष्ण कहते सबसे ज्यादा प्यार है मेरे वही ये, समझ रहे कि नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए, घर में बैठ कर खाओ और मत सो जाओ, इसलिए घर में हैं, इसलिए करो भगवान की कथा को जगत में प्रचार करो, हैं एकदम जी जान लगा दो उसमें पूरा पूरा, भगवान की गुणगान में, भगवान की गुणगान नहीं करेंगे तो माया की गुणगान करेंगे, कुछ तो करेगा जी हैं, ये नहीं करेगा तो करेगा, इसलिए मन को किसी में लगाओ भगवान की गुण कीर्तन में, ये जीवन को लगा दो। गुरुदेव कहते थे अगर जिंदा रहकर क्या होगा अगर भगवान की कीर्तन नहीं किया, मर जाना इससे बढ़िया है, मर जाना इससे बढ़िया है, एलो और गेलो, अगर भक्ति नहीं किया भजन प्रचार नहीं किया बोले आया और जगत से वो गया, उससे जगत में कुछ हो ही नहीं जगत में, इसलिए चल 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 बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल कवर निकल गया।